नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय अपने चैनल पर मनोविज्ञान से संबंधित कुछ मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित कुछ विधियों के बारे में जान रहे हैं। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हुए व्यक्तिक इतिहास विधि के बारे में देखेंगे और प्रक्षेपण विधियों को जानेंगे और उनकी डिटेल जो होगी वो आगे के वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, व्यक्तिक इतिहास विधि, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, किसी भी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किसी तथ्य तक, किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचना व्यक्तिक इतिहास विधि के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिक इतिहास विधि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समुदाय या समूह हो सकता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तिक इतिहास विधि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में ही बात करे। व्यक्तिक इतिहास विधि एक व्यक्ति, एक सामूहिक संस्था, एक पूरे समुदाय के बारे में अध्ययन कर सकती है। ये मतलब इनके सभी के बारे में, अगर हम उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करके अध्ययन करते हैं तो वो व्यक्तिक इतिहास के अंतर्गत आएगा। जिसे अध्ययन की इकाई माना जाता है, ये किसने कहा था? C.R. Shaw ने। ये C.R. Shaw की परिभाषा थी कि व्यक्तिक इतिहास विधि के अंतर्गत हम एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समुदाय या समूह के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज, व्यक्तिक इतिहास अध्ययन विधि एक प्रकार का गुणात्मक व्याख्या है, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से और पूर्ण अध्ययन किया जाता है। ये बीसेंज की परिभाषा थी व्यक्तिक इतिहास विधि के बारे में। लगभग वही है कि एक प्रकार का गुणात्मक व्याख्या की जाती है किसी भी चीज़ की। ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ना होकर एक समुदाय और एक संस्था के बारे में भी हो सकती है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि व्यक्तिक इतिहास विधि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन हो सकता है या समुदाय, संस्था के बारे में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तिक इतिहास विधि से लाभ, देखिए व्यक्तिक इतिहास विधि वो होती है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसकी डायरीज, उसके द्वारा लिखे गए लेख या उसके इतिहास, उसके पूरे जीवन के किसी घटना, विशेष घटनाक्रम की उसी के शब्दों में व्याख्या व्यक्तिक इतिहास विधि के अंतर्गत आती है। व्यक्तिक इतिहास विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका सामान्यीकरण बड़ी आसानी से हो जाता है और ये एक सरल विधि है समझने में, व्यक्ति के बारे में पूर्णता समझने में ये सहायक होती है। अब व्यक्तिक विधि इतिहास विधि की सीमाएं क्या हैं? व्यक्तिक इतिहास विधि की सीमाएं ये हैं कि जब व्यक्ति का इतिहास हम उसी के थ्रू या और किसी घटनाक्रम के थ्रू जान रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो या उसमें विश्वसनीयता की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और हाँ, व्यक्तिक इतिहास विधि से हम विचलित व्यक्तियों के बारे में बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि एक उसके इतिहास के बारे में जान के और मतलब कारणों के बारे में जान के इसको आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। व्यक्तिक इतिहास विधि में थोड़ी वैधता की कमी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमें जो इतिहास प्राप्त हुआ है या जानकारी प्राप्त हुई है वो पूर्णता सत्य है या नहीं, सत्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों, प्रक्षेपण विधियाँ कई तरह की होती हैं और ये हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय फ्रायड को जाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य समझकर आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में जो उपयोग का श्रेय है वो फ्रायड को जाता है। प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? प्रक्षेपण विधियों का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब हमें चेतन तथा अचेतन स्तर की
अभिक्रियाओं और व्यक्ति की संरचना के बारे में अध्ययन करना होता है। व्यक्ति के संवेगों, अभिप्रेरणाओं, अनुभवों, विचारों और अभिव्यक्तियों की विश्वसनीय अध्ययन हमें प्रक्षेपण विधियों द्वारा प्राप्त होता है। संवेग, अभिप्रेरणा, अनुभव, विचार, अभिव्यक्ति, इन सभी का जो एक विश्वसनीय अध्ययन होता है वो हमें प्रक्षेपण विधियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अचेतन स्तर तथा आंतरिक विचारों, भावनाओं और ग्रंथियों का अध्ययन, ये अभी तक हमने इतनी विधियां देखी हैं उसमें से अचेतन स्तर और आंतरिक विचारों और भावनाओं का जो अध्ययन है वो सबसे ज़्यादा प्रक्षेपण विधियों में ही वैध माना जाता है, इसी के द्वारा ही संभव है। सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विश्वसनीयता के साथ समझने में व्यक्तिक ये हमारी प्रक्षेपण विधियाँ बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। प्रक्षेपण विधि की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। प्रक्षेपण विधि में सबसे बड़ी सीमा यह है कि अध्ययनकर्ता को पूरी तरह से जानकार होना चाहिए, इस चीज़ का विशेषज्ञ होना चाहिए, वरना इसके परिणामों में परिणाम समझने में, व्याख्या करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस और जो हमारी प्रक्षेपण विधियां होती हैं ये पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए इनको कुछ उनकी वैधता में भी संदेह किया जाता है। दूसरी चीज, ये व्यक्तियों के जो सामने वाला व्यक्ति है पूरी तरह से उन पे डिपेंड होती हैं कि वो किस तरह का, मतलब हमारे द्वारा जब परीक्षण किया जा रहा है तो वो किस तरह का वो हमको रिस्पांस दे रहे हैं। जितना अच्छे से वो रिस्पांस देते हैं इसकी विश्वसनीयता उतनी ही वैध रहती है। प्रमुख प्रक्षेपण विधियाँ हैं रोर्सा, स्याही, डब्बा परीक्षण, CAT, TAT और रोजन वाई PFS स्टडी। इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाली विधियां हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पढ़ते रहें और सफलता को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।